भाई ये देखो जब स्नो पड़ती है ना स्नो को साफ करते हैं किसी भी प्लाजा में तो ऐसे साइड पे कर देते हैं देखो पहाड़ जैसा बना हुआ है ये वो पूरे प्लाजा में स्नो साफ करी हुई है यहाँ पे इन्होंने इकट्ठी कर दी है तो विंटर में ये सब आपको देखने को मिलेगा ये होती है सबसे गंदी वाली आइस कार हो गया बंदा हो गया भाई आराम से ना बैठ बच जाएगी अगर इससे इसके ऊपर स्लिप हो गया खतरनाक So guys, आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है डिग्री थोड़ी सी आपको दूप देखने को मिलेगी वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया कैसे मनी सेव करनी है इसके ऊपर सो so प्लीज वीडियो को एंड तक देखना काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी हेलो एवरी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनेडा में पैसे कैसे सेव कर सकते हैं कम से कम आप खर्चा करो ज्यादा से ज्यादा आपकी सेविंग हो तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा एंड वीडियो को एंड तक देखना पहला केस आता है आप स्टूडेंट हो आपने अभी फीस पे करनी है तो आपने क्या करना है एक तो आपने ना अच्छे से फ्रेंड्स आपके होने चाहिए जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको उसके बाद आपने कोई ऐसी बेसमेंट या कोई ऐसा घर फाइंड करने है जिसको आप शेयर कर सको रेंट आप एक दूसरे से डिवाइड करोगे एंड आपका रेंट 400 से 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी होती है देन थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आपका फ्रेंड सर्कल तीन चार लोगों का है मैं आपको रेकमेंड करूंगा किसी बेसमेंट में जाओ या किसी टू बेडरूम अपार्टमेंट में जाओ वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा एक चीज और यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है रेंट आपने डिवाइड कर लिया आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इतना आपका रेंट है बट आपके फ्रेंड्स आप एक दूसरे को सपोर्ट करो जब बीच में एक बंदा कोई ऐसा आ जाता है जो चुगलियाँ वगैरह करने स्टार्ट कर देते हैं ना फिर भाई दिक्कत आ जाती है इट हैपन्स इट्स वेरी कॉमन गाइस अब में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है आप कैसे उससे डील करोगे जब आपका रेंट ऐसे क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कुकिंग आती है घर पे खाना बना सकते हो आपके लिए सस्ता रहेगा आप ड्यूटीज डिवाइड कर लो क्योंकि टिफिन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा वीकेंड्स पे कोई टिफिन डिलीवर नहीं करता आप बाहर खाते हो एंड खर्चा आपका ज्यादा बढ़ जाता है तो सेकेंड आपने ये करना है थर्ड आपने स्टार्टिंग में आईफोन नहीं बाय करना मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट होती है बट जब कनाडा में मैं आया था मैंने भाई दो ढाई साल के बाद मैंने आईफोन बाय करा ये सिर्फ गैज़ एक फ़ोन है तो जब आप आते हो स्टार्टिंग में आप आईफोन बाय कर लेते हो फिर आपको एयरपोडस भी साथ में चाहिए तो आप अपना ख़र्चा खुद बढ़ा रहे हो एंड मंथ का आप डेढ़ सौ डॉलर तक पे कर रहे हो फ़ोन का अगर आपने मैक्स लिया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंडिया से एक अच्छा सा फ़ोन ले कर आओ एंड उसी को यूज़ करो जब तक आपकी स्टडी ख़त्म नहीं होती आप ऐसे भी मनी सेव कर सकते हो एक यहाँ पे मैं और पॉइंट आपको मेंशन करूँगा स्टार्टिंग में जब आप आते हो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने शॉपिंग वगैरह के ऊपर किसी एक्सपेंसिव ब्रांड को बाय करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है कार के बारे में आपको नहीं सोचना बिकॉज़ अभी आपको लाइसेंस लेने में टाइम लगेगा एंड कार को अप्रूव में अब अप कार के अप्रूबलम में भी काफ़ी फर्क होता है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप ब्रांड वगैरह किसी के ऊपर पैसे मत खराब करो किसी को इम्प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं है आपने अपने बारे में देखना है क्योंकि अभी आप कनाडा में न्यू आए हो एक और क्या आप ट्राई कर सकते हो कॉलेज के पास में रहो आपका टाइम सेव होगा अगर आप बस पे जाते हो ज़्यादा आपको यू नो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एंड इन केस कई बार आपकी बस मिस हो जाती है आपको इन केस वेदर काफ़ी ख़राब है या फिर आपने ऊबर के लिए जाना है तो ऊबर सस्ती पड़ेगी क्योंकि आपका डिस्टेंस कम है एंड कॉलेज के पास रहते हो तो काफ़ी सही रहता है अच्छे दोस्तों अच्छी जगह पे रहो कॉलेज के पास फाइंड करने की कोशिश करो आईफोन वगैरह बाई करने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इन केस आपको कुछ बाय करना है किसी एक स्टोर पे बाय करने के बजाय ऑनलाइन उसके प्राइसेस चेक करो कई बार उसकी काफ़ी ऑफ़र्स काफ़ी प्रमोशंस होती हैं एक एग्जांपल बताता हूँ मैंने परफ्यूम बाय करना था रमानी का मैंने वो बाय करा वन सेवेंटी डॉलर्स का मैंने किसी स्टोर में बाय करा एंड वही परफ्यूम मुझे 120 डॉलर्स का मिल रहा था ऑनलाइन किसी और स्टोर से तो ऑबियसली अगर मैं चेक कर लेता तो मेरे फिफ्टी डॉलर्स सेव हो जाते ग्रोसरी स्टोर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम्स भी आपको मिलेंगी कनाडा में क्या है एक चीज़ अगर किसी स्टोर पे दो डॉलर की है सेम चीज़ आपको चार डॉलर की भी मिल सकती है ओवर हम कह सकते हैं तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपको सस्ता मिलता है कहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो ताकि आप अपनी मनी सेव कर सको ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में पांच के कुर्करे पाँच रुपए के एक जगह पे मिलते हैं सभी जगह पे इतने होंगे नो आपको अलग अलग प्राइसेस देखने को मिलेंगे सो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ऐसे भी आप अपनी मनी सेव कर सकते हो एंड जब आप नए आते हो ना कई बार आपको लोग मिलेंगे जो आपको ना आ, अपनी बातों में फंसा लेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो हमारी कंपनी ये है महीने के इतने डॉलर इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग में इन चक्करों में मदद पड़ो क्योंकि तक बड़ी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्या बताया मैंने आपको कोई बेसमेंट फाइंड कर सकते हो कुकिंग वगैरह आपको आनी चाहिए जब आप शेयरिंग में रहते हो ना तो आपको ज़्यादा इंडिया से बर्तन भी लेकर आने की जरूरत नहीं है यहाँ से थोड़े बहुत लेकर आपस में डिवाइड कर लो और आप क्या कर सकते हो कॉलेज के पास में रहो आईफोन वगैरह आपको नहीं बाय करना ब्रांड वगैरह के ऊपर पैसे ख़राब नहीं करने कोई अगर आपको अपनी बातों में लेकर आता है उसकी बातों में नहीं फंसना एंड आपको ये भी मेक श्योर sure करना है कि जल्द से जल्द आप जॉब फाइंड करो ताकि आपकी जीआईसी सेव हो सके अगर आपको वीडियो चाहिए जॉब कैसे फ़ाइंड करनी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो अच्छी लगी गाइस तो प्लीज लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ वंडरफुल डे।